हेलो एंड वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आपको बता दें कि जब से 10th और 12th के रिज़ल्ट डिक्लेयर करे हैं तभी से स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कॉमर्स स्ट्रीम लें, ह्यूमैनिटीज़ लें या फिर साइंस लें। क्या आप सब भी कंफ्यूज हैं? क्या सिर्फ बैंक में नौकरी कॉमर्स स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं? इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। क्या कॉमर्स स्ट्रीम रियली बेटर है बैंकिंग में करियर बनाने के लिए? सो आप बने रहे इस वीडियो के साथ। सो फर्स्टली फॉरगेट दैट थिंग दैट यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो बैंक एग्जाम इज ईजी फॉर यू। दिस इज ओनली अ मिथ। इवन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स, हर कोई इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कॉमर्स स्ट्रीम से डिफरेंट हैं बैंक्स के एग्ज़ाम। लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ बैंक एग्ज़ाम। सो दिस इज़ IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ये है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 30 मार्क्स की, न्यूमेरिक आएगा, न्यूमेरिक एबिलिटी आएंगी आपकी 35 मार्क्स की, एंड रीजनिंग एबिलिटी भी आपकी 35 मार्क्स की आएगी। तो अब हम देखते हैं इसके मेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। मेंस एग्ज़ाम में आपकी आएगी रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। तो आपने देख ही लिया होगा कि बैंक PO IBPS बैंक PO के मेंस और प्री में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि 11th और 12th के कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या बैंक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो रिलेटेड होता है कॉमर्स स्ट्रीम से या नहीं। तो आप देखें क्लास 11th कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, देखते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। एंड क्लास 12th इज़ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स। तो अब आपने देख ही लिया होगा इकोनॉमिक्स को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। बैंक का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है और आपकी कॉमर्स स्ट्रीम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आप सभी ये बिल्कुल ना सोचें कि कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के आप बैंक का जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं, या फिर वो आपके लिए टफ़ होगा, या आपके लिए वो इजी बन जाएगा, या फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स या फिर ह्यूमैनिटीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो टफ़ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो सिलेबस है 11th 12th कॉमर्स का और साइंस का और ह्यूमैनिटीज़ का, इनसे कोई भी सब्जेक्ट बैंक के एग्ज़ाम से रिलेट नहीं करता। तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपको कॉमर्स इसलिए लेनी है ताकि आप आगे जाके बैंकिंग ही करें। तो अब आप ये सोच लें कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसको लें। बिल्कुल भी इस चीज़ के इन्फ्लुएंस में ना आए कि आपको बैंकिंग इजी हो जाएगा आगे जाकर। बैंकिंग के लिए अलग पैटर्न होता है। आप अपनी शुरू से ही मैथमेटिक्स और इंग्लिश अच्छी करके चलें, चाहे आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स लें, चाहे आप साइंस के सब्जेक्ट्स लें, ये दोनों ही आप मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये दोनों ही आपके बैंक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। बट एक जो फ़ायदा हो जाता है कॉमर्स के स्टूडेंट को, वो बस सिर्फ ओनली इकोनॉमिक्स का फ़ायदा हो जाता है। इकोनॉमिक्स भी आपकी थोड़ी डिफरेंट इकोनॉमिक्स बैंक के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो जो ओनली बैंक से रिलेटेड होती है। पर जो हम अपने अकाउंट्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब सिलेबस देखेंगे दोनों इकोनॉमिक्स का, तब वो खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अपनी स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए। तो अब आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, आप सोच समझ कर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप चूज़ करें, आप फ्री हैं। तो हम आपसे एक कोटेशन के साथ विदा लेना चाहेंगे। तो हमारा कोटेशन है, हमें सपना कुछ करने का देखना होगा ना कि कुछ बनने का। तो आप सभी कुछ करने का सपना देखिए ना कि कुछ बनने का, जब आप करने लग जाएंगे तो ओबियसली आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजन आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ कुछ आपको सजेशंस लेने हो अपने करियर ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, तो आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट डालें। और अगर आपको कोई और एग्ज़ाम के लिए कोई वीडियो चाहिए तो ओबियसली हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आप एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा।